नमस्कार, सुस्वागत है अंचल भाई स्वागत बड़ी खबर के साथ। एक बार फिर से आपके सामने मौजूद जहां पर चलेंगे सबसे पहले और बड़ी खबर आपको बताएंगे। भारत जोड़ो यात्रा में आज राहुल गांधी हैदराबाद में चार मीनार पर फहराएंगे तिरंगा। हजारों लाखों की संख्या में पार्टी कार्यकर्ता भी रहेंगे मौजूद। दोस्तों, वहीं पर मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने भरी हुंकार, कहा आरएसएस मुक्त करेंगे संस्थानों को। बताएंगे आगे उन्होंने क्या कुछ कहा है। दोस्तों, इसी के साथ में गुजरात के चुनाव को लेकर उन्होंने आम आदमी पार्टी को दिखाया है आईना। बताएंगे क्या कुछ कहा है उन्होंने आम आदमी पार्टी के बारे में। दोस्तों, इसी के साथ में हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी के चुनावी कैंपेन को लॉन्च करने के लिए पहुंची प्रियंका गांधी ने कर दिए बड़े वादे। हजारों लाखों की संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया है स्वागत। दोस्तों, इसी के साथ में आपको बताएंगे अमित शाह के कार्यक्रम का छात्रों ने किया है विरोध, लेटर लिखकर अमित शाह के विचारधारा के खिलाफ जोरदार मोर्चा खोला। दोस्तों, बताएंगे विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट सामने आ रही है। इसी के साथ में तेजस्वी यादव बिहार में बनेंगे अगले मुख्यमंत्री, नीतीश कुमार ने भी दिए हैं कुछ ऐसे संकेत। दोस्तों, बयान देते हुए उन्होंने कहा कि अब इनको आगे बढ़ाना है। बताएंगे क्या है पूरी अपडेट, एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी अपडेट की तरफ। सारी बड़ी खबरें आप तक पहुंचाएंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस पार्टी को देश की राजनीति में अच्छे पोजीशन पर आकर खड़ा कर सकती है तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी अपडेट का, जहां पर कांग्रेस पार्टी के भारत जोड़ो यात्रा के 54वें दिन राहुल गांधी तेलंगाना के साधनगर में पद यात्रा करते दिखाई दिए हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा तेलंगाना में है। यात्रा तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से होते हुए तेलंगाना पहुंची है। भारत जोड़ो यात्रा 7 नवंबर को महाराष्ट्र में प्रवेश करने वाली है और ऐसे में कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता पूरी तरीके से तैयार हो गए हैं। दोस्तों, लेकिन बड़ी बात यह है कि तेलंगाना के अंदर आंध्र प्रदेश रीजन में मौजूद चार मीनार पर राहुल गांधी और पार्टी के वरिष्ठ नेता तिरंगा फहराने वाले हैं। आपको बता दें कि फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी आज हैदराबाद के चार मीनार पर आयोजित की जाने वाली है और ऐसे में 4:30 बजे शाम को राहुल गांधी तिरंगा फहराते दिखाई देंगे। दोस्तों, वहीं पर राहुल गांधी ने बीते दिन मीडिया से बात करते हुए बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि देश की मीडिया, न्यायपालिका और लोकतंत्र पर हमले हो रहे हैं, हम संस्थानों को आरएसएस से मुक्त कराएंगे। दरअसल दोस्तों, उन्होंने आरोप लगाया है कि आरएसएस का कब्जा देश की बड़ी बड़ी संस्थानों में हो चुका है। मीडिया हो या न्यायपालिका हो या लोकतंत्र के अन्य संस्थान हो, सभी जगह संघ ने कब्जा कर रखा है। एक बार हमारी सत्ता आएगी तो हम ये सुनिश्चित करेंगे कि ये सारे संस्थान संघ से मुक्त हो जाए। राहुल गांधी के नेतृत्व में 3570 किलोमीटर की चल रही इस यात्रा के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे राहुल गांधी ने 2 मिनट का मौन रखा मोरबी ब्रिज गुजरात में गिर जाने के मामले को लेकर। और ऐसे में उनसे जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं इस तरीके की चीजों पर राजनीति नहीं करता, ये मेरी फितरत नहीं है, कांग्रेस पार्टी की विचार नहीं है कि इस तरीके की आपदा पर राजनीति करे। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो राहुल गांधी के साथ में वायरल कराया जा रहा है दोस्तों, जहां पर राहुल गांधी मोरबी ब्रिज हादसा मामले को लेकर कह रहे हैं कि मैं कोई राजनीति नहीं करूंगा, जबकि 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बंगाल में रैली करने पहुंचे थे तो एक ब्रिज गिर गया था जिस पर प्रधानमंत्री मोदी एक्ट ऑफ गॉड नहीं एक्ट ऑफ फ्रॉड वाली बातें कर रहे थे, तो कुल मिलाकर उस पर राजनीति करते दिखाई दे रहे थे। लेकिन राहुल गांधी ने जो सेंसिबल बयान दिया है इसकी तारीफ भी हो रही है। दोस्तों, वहीं पर गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी का किस तरीके का प्रभाव है, इस पर राहुल गांधी की तरफ से बड़ा बयान पहली बार आया है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को कहा कि गुजरात में आम आदमी पार्टी जमीन पर नहीं है, केवल हवा में है, लेकिन उनकी पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी मजबूत है और प्रदेश के अंदर अगली सरकार बनाएगी। उन्होंने ये भी कहा है कि हमारे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जो तय करेंगे वो माना जाएगा, वो जिस तरीके का कार्यक्रम हमारा लगाएंगे उसी तरीके के कार्यक्रम में हम लोग जाएंगे। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि तेलंगाना के अंदर तेलंगाना राष्ट्र समिति जो अब भारत राष्ट्र समिति हो गई है, उसकी सरकार ने जनता को लूटा है, दलितों और आदिवासियों की जमीन छीन रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि टीआरएस के साथ हाथ मिलाने का कोई सवाल ही नहीं खड़ा होता है। मोरबी हादसे को लेकर भी उन्होंने बयान दिया है। दोस्तों, कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी को लेकर उन्होंने और भी आगे बात कही। उन्होंने कहा कि वो केवल विज्ञापन में पैसा खर्चा करते हैं और केवल अपने नाम का हवा खड़ा कर रखा है। और इसमें दोस्तों सच्चाई इसलिए भी है क्योंकि जब से पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है तब से पंजाब सरकार के पैसे पर दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार की तारीफ के विज्ञापन गुजरात में चलाए जा रहे, तो आप लोग समझ सकते हैं कि किस तरीके से लोगों के पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। और यही पैसे हैं जो आज का दिल्ली मीडिया में खूब घूम रहे हैं और बड़े बड़े पत्रकारों को तारीफ करने के लिए ललचा रहे हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी की हवा में बातें करना और धरातल पर निष्क्रिय दिखना ही आम आदमी पार्टी की असली स्थिति कई सारे पॉलिटिकल कमेंटेटर बता रहे हैं। दोस्तों, आप लोग इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे, राहुल गांधी के बयान को किस तरीके से देखते हैं, लिखकर जरूर बताएगा। रुक करते हैं एक और बड़ी अपडेट का, जहां पर प्रियंका गांधी ने कांग्रेस पार्टी के कैंपेन की शुरुआत हिमाचल प्रदेश में कर दी है। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपने प्रचार को जोर शोर से चला दिया है। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने राज्य के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गृह जिले मंडी में पहुंचकर पार्टी की रैली को संबोधित किया है। उन्होंने ऐतिहासिक पड्डल मैदान के अंदर जनसभा को संबोधित किया। कांग्रेस पार्टी की प्रतिज्ञा रैली को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि मेरा सौभाग्य है कि बाबा भूतनाथ के दर्शन करने यहाँ आई हूँ, आपने धूप में इतना मेरा इंतजार किया है, इसलिए मैं पहले माफी मांगना चाहती हूँ। उसके बाद उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। दोस्तों, अपने भाषण के दौरान प्रियंका गांधी ने इंदिरा गांधी को याद किया, देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद किया गया। आपको बता दें कि बीते दिन इंदिरा गांधी का शहादत दिन था और सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन था। उन दोनों को दोस्तों श्रद्धांजलि जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, जय इंदिरा जय सरदार जरूर लिखिएगा। दोस्तों, वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के मैंने
मैनिफेस्टो को आगे रखते हुए उन्होंने कई सारे वादे गिनवाए हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि पहली कैबिनेट की बैठक में पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल कर दी जाएगी, 1,00,000 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी, 5 साल में 5,000 रोजगार दिए जाएंगे, 680 करोड़ का स्टार्टअप फंड दिया जाएगा, 0% ब्याज पर लोन दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर इस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने अपने कैंपेन को नया बूम दिया है। दोस्तों हिमाचल प्रदेश के मंडी में प्रियंका गांधी की जनसभा को लेकर ये तस्वीरें हैं जो कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी के उपचुनाव के लिए प्रचार करने पहुंचे थे, जिस पर नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया है। नीतीश कुमार ने कहा कि उपचुनाव के अंदर आरजेडी की जीत होगी, चिराग पासवान और बीजेपी चुनाव के पहले से ही साथ में है, ये लोग आपस में मिलकर बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। यानी मोकामा और गोपालगंज में होने वाले उपचुनाव के मद्देनजर नीतीश कुमार अपने सहयोगी दल आरजेडी के समर्थन में वोट करने की अपील भी कर रहे हैं और एलजेपी के नेता चिराग पासवान को लेकर निशाना भी साध रहे हैं। वहीं पर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के लिए हिमाचल प्रदेश का चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 21 ऐसे नेता चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं जो बीजेपी के ही वरिष्ठ नेता के तौर पर काम किया करते थे, ये सारे के सारे निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी ने इन सभी को मनाने की कोशिश की लेकिन ये 21 नेता है जो नहीं माने और 21 सीटों पर कम से कम इसका प्रभाव देखने को मिलेगा दोस्तों। और अगर 5,000 वोट भी काट लेंगे तो हिमाचल जैसे छोटे स्टेट के अंदर ये बड़ा मार्जिन हो जाएगा और कहीं ना कहीं भाजपा के लिए मुश्किलें सबसे ज्यादा खड़ी हो सकती है इन बागियों की वजह से, और इसीलिए बीजेपी ने सभी को 6 सालों के लिए निलंबित करने का फैसला लिया है। हालांकि इसकी औपचारिक ऐलान अभी नहीं की गई है दोस्तों, मनाने की कोशिश जरूर की जा रही है लेकिन ये मान नहीं रहे हैं और उसके बाद बीजेपी को इन्हें सस्पेंड ही करना पड़ेगा। एक और बड़ी खबर यह है कि बिहार के उपचुनाव में घमासान जारी है, सूबे की सियासी फेरबदल के बाद अब जेडीयू महागठबंधन की सरकार तो बन चुकी है लेकिन क्या आरजेडी को सरकार में बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, क्या तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के सहयोग से चलने वाली सरकार में मुख्यमंत्री बनेंगे, ये बड़ा सवाल रहेगा। बता दें आपको कि बिहार के मुख्यमंत्री एक बार फिर से तेजस्वी यादव को लेकर बड़ा बयान देते दिखाई दिए हैं। दरअसल दोस्तों नीतीश कुमार ने कहा कि 2017 में गलती हुई और अब फिर से आरजेडी के साथ हम आ गए हैं। उन्होंने इस दौरान उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की ओर इशारा करते हुए कहा कि अब तो इसे बढ़ावा देना है। हालांकि नीतीश कुमार ने स्पष्ट रूप से तेजस्वी यादव का नाम नहीं लिया है, तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के पीछे खड़े थे और सीएम की ओर बार बार पलट कर देख रहे थे। तेजस्वी यादव के अलावा मंत्री अशोक चौधरी भी सीएम के साथ में खड़े थे, तो कुल मिलाकर ये इशारा उन्होंने कर दिया है कि तेजस्वी यादव को राज्य के अंदर आगे बढ़ाना है। और जल्दी आप देखेंगे कि आरजेडी की ओर से भी तेजस्वी यादव का नाम प्रोजेक्ट किया जाएगा और नीतीश कुमार 2024 के देश की राजनीति में आगे आएंगे और नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के जिम्मे बिहार को छोड़कर आएंगे। दोस्तों ये बात बिल्कुल तय लग रही है, केवल औपचारिक ऐलान बाकी रह गया है। आप लोग इसे किस तरीके से देखते हैं लिखकर जरूर बताएगा। क्या युवा नेतृत्व को बिहार में मोर्चा संभालना चाहिए या नीतीश कुमार जो अनुभवी नेता है उन्हीं को साथ में बिहार को लेकर चलना चाहिए, आप लोग का क्या कुछ मानना रहेगा लिखकर जरूर बताएगा। रुक करते हैं एक और बड़ी अपडेट का, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल विद्यालय के पूर्व छात्रों ने गृह मंत्री अमित शाह की यात्रा का विरोध किया है। दरअसल दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल की 147वीं जयंती मनाने को लेकर सोमवार को गृह मंत्री अमित शाह विद्यालय में आने वाले थे। 237 पूर्व छात्रों ने विद्यालय प्रबंधन को एक ईमेल लिखा है जिसमें अमित शाह की यात्रा का विरोध किया गया है। विद्यालय के प्रिंसिपल अनुराधा जोशी और ल्यूटियंस दिल्ली संस्थान को चलाने वाले गुजरात के एजुकेशन सोसाइटी को एक ईमेल मिला है जिसमें 237 पूर्व छात्रों ने एक सिग्नेचर कर रखा है और कहा है कि विशेष रूप से ध्रुवीकरण का माहौल अमित शाह जैसे राजनीतिक व्यक्तियों की वजह से है और उनको अगर आमंत्रित किया जाता है तो ये हमारे देश के संविधान के खिलाफ है, जो संविधान हमारे देश में संवैधानिकता को आगे बढ़ाने की बातें करता है, संवैधानिक मूल्यों को आगे लाने की बातें करता है जिसमें सेक्युलरिज्म आता है दोस्तों, फ्रेटर्निटी आती है, आपसी सहयोग, भाईचारा, ये सारी चीजें आती हैं। लेकिन आज की राजनीति में कुछ ऐसे लोग हैं जो माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। कुल मिलाकर अमित शाह की तरफ इशारा करते हुए लेटर लिखा गया है। वहीं आपको बता दें कि वॉर रूम से बीजेपी के हर मूवमेंट पर नजर रख रही है कांग्रेस पार्टी। हिमाचल प्रदेश में डिजिटल वॉर जारी है दोस्तों। आपको बता दें कि 12 नवंबर को होने वाले चुनाव के मद्देनजर हिमाचल प्रदेश कांग्रेस और हिमाचल प्रदेश बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। दरअसल दोस्तों फेसबुक पर बीजेपी की तुलना में कांग्रेस पार्टी के ज्यादा फॉलोअर्स हैं और इसी तरीके का ट्विटर पर भी माहौल है और इन सभी का इस्तेमाल करते हुए कांग्रेस पार्टी आईटी सेल के लोगों को प्रमोट करने के लिए कह रही है कि वो सारे कांग्रेस पार्टी के उन कार्यकर्ताओं उन कैंडिडेट को प्रमोट करें जो उनके क्षेत्र के अंदर चुनाव लड़ रहे हैं, यानी क्षेत्र के लोगों तक पहुंच बनाई जा रही है डिजिटल मीडिया के माध्यम से। और दोस्तों क्योंकि हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है तो ऐसे में उम्मीदवारों के सभी लोगों तक पहुंच पाने में काफी डिफिकल्टीज आती है। आप लोग जानते हैं कि कम्यूटेशन की दिक्कत है, यानी गाड़ी ऊपर नीचे ले जाने में दिक्कत है, पूरा पहाड़ी इलाका है और इसीलिए लोगों को संपर्क में लाने के लिए डिजिटल माध्यम का इस्तेमाल किया जा रहा है। देखते हैं ये जो वॉर रूम बनाया गया है कांग्रेस पार्टी और बीजेपी की तरफ से अलग अलग डिजिटल मीडिया पर किसका दबदबा रहता है। एक और बड़ी खबर यह है कि गुजरात में कांग्रेस पार्टी ने अपनी परिवर्तन संकल्प यात्रा को स्थगित कर दिया है। अशोक गहलोत ने इसकी वजह बताई है। अशोक गहलोत ने मोरबी हादसे के कारण कांग्रेस पार्टी की परिवर्तन यात्रा समेत अन्य कार्यक्रम को स्थगित कर दिया है। गहलोत ने मोरबी जाकर मृतकों के परिजनों से मुलाकात की है और उनका दुख बांटा है। वही दोस्तों झारखण्ड मुक्ति मोर्चा के नेता ने कहा कि लाट साहब चाहे जितना ओपिनियन दे दे और जितना ओपिनियन ले ले, डराने का काम बंद कर दे। आपको बता
बता दें कि रमेश बैंस ने एक बयान दिया था जो गवर्नर है झारखंड के, और उनके बयान पर अब सोरेन ने हल्के में टाल दिया है, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। दरअसल गवर्नर के बयान को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रिया भट्टाचार्य ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि लाट साहब फिलहाल रायपुर पहुंचे हैं, वहां से नागपुर नजदीक है, लेकिन यहां यानी झारखंड के अंदर हीरा नागपुर है, जहां पर हीरा भी है और यूरेनियम भी है, यूरेनियम से न्यूक्लियर बम भी बनते हैं। राज्यपाल डराने का काम ना करे, वह पहले ओपिनियन पर ही कंफ्यूज है, अब सेकंड ओपिनियन मांग रहे हैं, तीसरा और चौथा ओपिनियन भी ले ले। जहां जनता का ओपिनियन चलता है वहां हेमंत सरकार को वो ओपिनियन मिल चुका है, आपको जो करना है आप कर लीजिए, लेकिन सरकार को जनता का समर्थन है और इसीलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार चलती रहेगी। वहीं पर दोस्तों भाजपा के प्रत्याशी का कांग्रेस कैंडिडेट पर निशाना कहा, हरदीप बाबा नालागढ़ के मूल निवासी नहीं है। इस तरीके से हिमाचल प्रदेश में लोकल पॉलिटिक्स भी जारी है। वहीं पर बीजेपी में शामिल हो गई द्रंग से आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी सुनीता, यानी आम आदमी पार्टी जो राज्य में सरकार बनाने की बातें कर रही थी, 5-5 साल मांगने की बातें कर रही थी, आज उनके अपने कैंडिडेट भागकर भारतीय जनता पार्टी की शरण में पहुंच रहे हैं। दोस्तों आप लोग इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे लिखकर जरूर बताएगा। जुड़े रहने के सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।